दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना एवं प्रवीण शंकर कपूर और मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख विक्रम मित्तल भी उपस्थित रहे। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गत 8 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार ने नवरत्न सरकारी संस्थान दिल्ली जल बोर्ड के 2014-15 में 700 करोड़ के वार्षिक लाभ की थी, जो आर्थिक बर्बादी में धकेल दिया है और आज दिल्ली बोर्ड पर 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दिल्ली जल बोर्ड बर्बादी के पहुंच गया है और दिल्ली वाले पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। झुग्गी बस्ती को लेकर के कॉलोनियों तक दिल्ली के बोर्ड से लोगों को काला गंदा पानी आने की शिकायत है। अधिकृत कॉलोनी हो, झुग्गी बस्ती हो या फिर स्लम बस्ती, हर जगह पानी सप्लाई की पाइपलाइन डालने का काम ठप है। इसी तरह 8 साल से यमुना सफाई पर केजरीवाल सरकार ने 3800 करोड़ रुपए की बंदर पाट के बावजूद यमुना पहले से अधिक मैली हो गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लाभ के चलते दिल्ली वाले जल बोर्ड आज 71,000 करोड़ के कर्ज है और दिल्ली सरकार इस वित्त वर्ष 2023-24 का पूरा बजट भी झोंक दे तो इस लाभ नहीं हो सकता। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल सरकार अक्सर यमुना जल में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने के नाम पर कटौती करती है और इसका द्वेष हरियाणा पर डालने की कोशिश करती है, जबकि खुद दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी मानी जाती है। कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर स्थित पल्ला गांव पर जब यमुना दिल्ली में घुसती है तो उसका जल लगभग निर्मल होता है। ये खेदपूर्ण है कि विशेषज्ञ के अनुसार यमुना अपने कुल लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा में केवल 34 किलोमीटर दिल्ली में बहती है, पर यमुना के कुल प्रदूषण का लगभग 75% दिल्ली से जुड़ता है। सचदेवा ने कहा कि ये जांच का विषय है। और 1400 किलोमीटर की यात्रा है और यमुना का कुल प्रदूषण का 75% इस 34 किलोमीटर से ज्यादा होता है। 8 साल से अरविंद केजरीवाल सत्ता में है, उनको ये बताना चाहिए कि यमुना में जो आवश्यक 6 अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे वो आज तक क्यों नहीं लगे और लगभग 22 के करीब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगने थे, जिसकी घोषणा कई बार कर चुके हैं, वो आज तक क्यों नहीं लगे। अभी अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें तो माननीय उपराज्यपाल जी ने नजरबा ड्रेन का एक हिस्सा साफ करने का बीड़ा उठाया और मैं आप सब मित्रों को इन्वाइट करता हूं, एक बार चल के देख के आए। मात्र 6 महीने के प्रयास में वो पूरा का पूरा टुकड़ा बेहतरीन साफ हुआ है, साफ सुथरा हुआ है और उस टुकड़े के साफ होने से नजर करके कुछ ये नहीं, जमीन की कीमतों में भी उछाला है और एक बड़ा टूरिस्ट पॉइंट को बनने जा रहा है। तो अगर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल अपनी इच्छा शक्ति से इतने टुकड़े को साफ करा सकते हैं तो 8 साल से बैठे हुए फौज मुख्यमंत्री दिल्ली में कर क्या है। लेकिन जब इनको सुझाव दिया जाता है तो फट से इनका प्रेम पत्र नजर आता है। मैं तो हैरान था जब उन्होंने कहा मैं दिल्ली जल बोर्ड को लुकाफ्टर करूंगा, तो जैसे मैंने पहले कहा लुकाफ्टर करने का अभिप्राय मेरी समझ में आता है कि आप कौन कौन सा रास्ता बचा है जहां से भ्रष्टाचार की काली कमाई खाई जा सकती, क्योंकि खून तो इनके मुंह लग चुका है। पैसा कैसे कमाया जाए, अवैध संपत्ति कैसे अर्जित की जाए, इनके हर दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय में आपको कुछ और इनके काले कार्यों में देखने को मिलेगा।